नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त राशि। तो दोस्तों, बात करेंगे रक्षाबंधन की। रक्षाबंधन केवल भाई और बहन का ही पावन दिन नहीं, बल्कि इस दिन विशेष ग्रह दोष निवारण उपाय भी किए जा सकते हैं। इस दिन का ज्योतिष शास्त्र में एक विशेष महत्व है। मैं आपको बताऊंगी कुछ उपाय जिन्हें रक्षाबंधन के दिन अपनाकर आप धनवान बन सकते हैं। पहला उपाय, जिन लोगों को काल सर्प दोष है उन्हें इस दिन सर्प पूजन करना चाहिए। चांदी की डिब्बी में शहद भरकर किसी सुनसान स्थान पर गहरे में गाड़ देना चाहिए। दूसरा उपाय, यदि आपका कोई दुश्मन आपको परेशान कर रहा है तो इस रक्षाबंधन के दिन हनुमान के मंदिर जाकर हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। इसके साथ गुड़ और गुलाब के फूल भी चढ़ाएं। इस टोटके को करने से आपका शत्रु का शमन हो जाएगा। तीसरा उपाय, घर की गरीबी दूर करने के लिए। अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं या घर में बरकत नहीं होती तो इस उपाय को अपनाकर आप अपनी आर्थिक तंगी से छुटकारा पा सकते हैं। रक्षाबंधन के दिन सुबह किसी बड़ के पेड़ के नीचे उगे पौधे को जड़ के साथ उखाड़ लें और घर ले आएं, और घर में किसी गमले में लगाएं और रोजाना पानी दें। इस उपाय से आपके घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करने लगेगी। चौथा उपाय, किसी ने आपसे पैसा उधार लिया है और वो वापस नहीं दे रहा, और रक्षाबंधन के दिन एक सूखे कपूर से काजल बनाए और इस काजल से एक कागज पर उस व्यक्ति का नाम लिखे जिससे आपने पैसा लेना है। अब इस कागज को किसी भारी पत्थर के नीचे दबा दें। देखिए, आपका पैसा जल्दी आपको वापस मिल जाएगा। पांचवा उपाय, अगर आपको या आपके घर में किसी को भी बीमारी ने घेर रखा है तो इस रक्षाबंधन को रोगी के सिराने के पास 1 रुपए का सिक्का रख दे और अगली सुबह ये सिक्का किसी शमशान घाट में फेंक दे। रोगी की बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी। छठा उपाय, अपनी कुंडली के सभी दोष को समाप्त करने के लिए सुबह किसी शिव मंदिर में जाकर 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। आपकी कुंडली का दोष खत्म हो जाएगा। इस उपाय से आपके घर में लक्ष्मी भी स्थायी रूप से वास करने लगेगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ उपाय जिन्हें अपना कर आप रक्षाबंधन के दिन धनवान बन सकते हैं।